तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक बार फिर बड़ा झटका। बीजेपी की दिग्गज अभिनेत्री ने भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का दमन, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से इस्तीफा देने के दो दिन बाद दिग्गज अभिनेत्री से नेता बनी एम विजय शांति शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने तेलंगाना के पार्टी प्रभारी माणिक राय ठाकरे, कांग्रेस विधायक दल CLP नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क और अन्य की उपस्थिति में उनका पार्टी में स्वागत किया। पूर्व सांसद विजय शांति 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव से दो दिन सप्ताह भी कम समय पहले कांग्रेस में लौट आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही विजय शांति ने पिछले कुछ महीनों से पार्टी गतिविधियों से दूर रहने के बाद बुधवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वह एक महीने से भी कम समय में बीजेपी छोड़ने वाली चौथी प्रमुख नेता है। पूर्व सांसद कुमाटा रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और जी विवेकानंद उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रति वफादारी बदल ली है। दिसंबर 2020 में विजय शांति की 15 साल बाद बीजेपी में वापसी हुई थी। वह 1997 में बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी की महिला शाखा की महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2005 में बीजेपी छोड़ दी और तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक अलग संगठन तली तेलंगाना बनाया। बाद में उन्होंने तली तेलंगाना का TRS अब BRS में विलय कर दिया और 2009 में मेदक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। अगस्त 2013 में तेलंगाना राज्य के गठन से कुछ महीने पहले TRS ने विजय शांति को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया था। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गई और 2014 के चुनाव में मेदक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी लेकिन असफल रही। चार साल तक शांत रहने के बाद विजय शांति 2017 में फिर से कांग्रेस में सक्रिय हो गई और उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए स्टार प्रचारक नामित किया गया। पार्टी की हार के बाद वह पार्टी में सक्रिय नहीं थी और 2020 में बीजेपी में लौट आई थी।